हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक बाबा। आज हम इस वीडियो आपके लिए एक और फ्री इंटर्नशिप से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो हम बेसिकली बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च फ्री इंटर्नशिप के बारे में। तो ये इंटर्नशिप 2022-2023 के समर प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की गई है। एंड ये स्टूडेंट, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, यानी आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या आप रिसर्च स्टूडेंट हो, तब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें बेसिकली 195 इंटर्न्स देश के हर जगह से यहाँ पे हायर किए जाएंगे, जिनका इस एरिया में इंटरेस्टेड हो। एंड फ्रेंड्स, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च इंटर्नशिप है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करें, उसके साथ इंटर्नशिप करें। तो हम इस इंटर्नशिप के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से अप्लाई करना है और कब तक इसकी लास्ट डेट है। तो फ्रेंड, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज सब्सक्राइब और एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम ऐसे ही इंटेंसिव फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वीडियोस ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, जो कि आपको काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में, जहां पर ये इंटर्नशिप लॉन्च की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को अपन शॉर्ट में MOSPI भी कहते हैं। तो MOS.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे इंटर्नशिप लॉन्च किया गया है एंड इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं कहाँ पे ये इंटर्नशिप लॉन्च की। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट्स न्यू में यहाँ पे अनाउंसमेंट, तो अनाउंसमेंट जो लेटेस्ट है जो वो है स्कीम ऑफ इंटर्नशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या रिसर्च स्टूडेंट हो, तो ये इंटर्नशिप आपके लिए, आप यहाँ से और डिटेल में जान सकते हो। मैं इस PDF को यहाँ से क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो मैंने पहले ही ओपन किया, तो मैं इस पर जाता हूँ एंड इस PDF को हम वन बाई वन गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उसने यहाँ पे एक नोटिस जारी किया स्कीम ऑफ इंटर्नशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट, जो कि 2022-2023 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये इंटर्नशिप में बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 195 इंटर्न्स लेने वाले हैं, और ये अलग अलग डिसिप्लिन से हो सकते हैं, फील्ड से हो सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, इंडेक्स नंबर, एनर्जी स्टैटिक्स, नेशनल इकोनॉमिक्स क्लासिफिकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि है SDG, फिर इन्वायरमेंट स्टैटिक्स, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, ग्लोबल इंडिकेटर। तो बेसिकली ये सारी फील्ड है, डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आप इससे रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड आपको इसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो मैं आपको इस PDF के थ्रू आपको इस इंटर्नशिप के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको अगर और डिटेल में जानना है, आपको और इंटरेस्टेड है, तो आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में उसको गो थ्रू कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो, वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 30 मार्च 2022, यानी 30 मार्च 2022 से पहले पहले आप इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ से आप गो थ्रू कर सकते हो इस इंटर्नशिप का, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है और रिसर्च स्टूडेंट है उनके लिए क्यों इंटर्नशिप लेके आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इंटर्नशिप बेसिकली उन लोगों के लिए जो स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी फॉर और एनी ऑफ अप्लाइड फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 2022-2023, यानी बेसिकली वो स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स से है, जो स्टैटिक्स से है, रिसर्च स्टूडेंट है, जो ऑपरेशन रिसर्च से है, इकोनॉमिक्स से है, डेमोग्राफी से, और एनी जो अप्लाइड फील्ड ऑफ स्टैटिक्स से है, और वो एक अच्छे कॉलेज से है, तो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे पूरा आप गो थ्रू कर देना कि इसमें क्या डिटेल में दे रखा है, कि का जो इंटर्नशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको लर्निंग क्या रहेगा, इसका स्कोप क्या है, एंड नंबर एंड प्लेस ऑफ इंटर्नशिप। तो बेसिकली ये इंटर्नशिप में आपको 195 स्टूडेंट को मौका मिलेगा एंड इसमें टोटल जो भी इंटर्नशिप रहेगी 2022-2023, उसमें दो ग्रुप में डिवाइड रहेगी। तो पहला रहेगा वो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में वो इंटर्नशिप यहाँ पे इनवाइट की जाती है जो ऑफिस लोकेशन न्यू दिल्ली, इंक्लूडिंग NSO, FOD रीजनल ऑफिस, और साथ में दिल्ली के जो भी ऑफिसेज है जिसमें NSO भी है, तो वो ग्रुप ए में आएगा। एंड ग्रुप बी में वो एप्लीकेशन आएगी जो इसके अलावा सारी कंट्रीज में इंटर्नशिप करना चाहते हैं। तो इसमें यहाँ पे लोकेशन दे रखी कि यहाँ पे किस किस जगह इंटर्नशिप की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू दिल्ली के ग्रुप ए में यहाँ पे दे रखा है ग्रुप ए, जिसमें यहाँ पे मेंशन भी किया है इस जगहों को, यहाँ पे जहाँ आप इंटर्नशिप अप्लाई करोगे ये जगह आएगी ग्रुप ए में। एंड
उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी, ग्रुप बी में जो भी न्यू दिल्ली के अलावा जहाँ भी आप अप्लाई करोगे वो ग्रुप बी में आएगी। तो यहाँ पे लोकेशन है, प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दे रखा है, जिसको आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में वही अप्लीकेंट यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। एंड यहाँ पे ब्लैक में लिखा है बोल्ड करके कि परसुइंग, जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या रिसर्च कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, स्टेटिक्स में, मैथमेटिक्स स्टेटिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, इकोनॉमिक्स में, डेमोग्राफी में, या कोई भी स्टेटिक्स की अप्लाई फील्ड में जो करंटली अभी परसू कर रहा है, जो परसू कर सके वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो परसू कर रहे हैं वो स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो यहाँ पे ड्यूरेशन, तो जो इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है 2 मंथ का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और सारे स्टूडेंट को अपने जो पेपर है वो रिपोर्टिंग के टाइम सबमिट करने हैं, जो असाइनमेंट है और जो ऑब्जर्वेशन है, जो काम दिया जाता है वो आपको फिलफिल करना है। एंड फ्रेंड्स, इस इंटर्नशिप के लिए आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलता है 2 मंथ के लिए, यानी आपको पर मंथ 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि बता रखा है आपको कैसे ये जो इंटर्नशिप का जो आपको पैसा है वो दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ देते हैं इंटर्नशिप कम्प्लीट होने से पहले, तो आपको कोई भी स्टाइपेंड या सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप इंटर्नशिप को पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो तब आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो कि सक्सेसफुल इंटर्नशिप है, और कंप्लीशन के बाद आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये सारा जो बेसिक डिटेल्स था इस इंटर्नशिप के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैसिलिटीज में बेसिकली आपको असाइनमेंट करने के लिए जिस ऑफिस या सेंटर में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है, तो वहाँ पे आपको मिनिमम लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेंगे। इसका मतलब आपको ऑफिस में एक क्यूबिकल मिलेगा, साथ में इंटरकॉम फैसिलिटी रहेगी, एक कंप्यूटर मिलेगा, इंटरनेट फैसिलिटी मिलेगी, साथ ही साथ आप अपना खुद का लैपटॉप भी ला सकते हो, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेंगे, एंड आपको एक आपका मेंटर असाइन किया जाएगा। प्रोसीजर क्या है इस एप्लीकेशन का, सिलेक्शन कैसे हो गए, एंड अदर ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या हो गए। तो इस इंटर्नशिप के लिए आपको एक एप्लीकेशन ही अप्लाई करनी है, जो कि अनेक्सर थर्ड में दे रखा है, वो हम देख लेंगे इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है। एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन 30 मार्च 2022 है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। एंड फ्रेंड्स, जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी का अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया के बेस पे होगा, तो आप इसको डिटेल में गो थ्रू कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस इंटर्नशिप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह इंटर्नशिप 2 मंथ की रहेगी एंड एग्जैक्टली अगस्त 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अगर आप कॉलेज के साथ साथ ये इंटर्नशिप कर सकते हो, जब आपका वैकेशन हो जाए समर वैकेशन के टाइम कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव है कि आपको कॉलेज की जो टाइम है वो हैम्पर नहीं होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप ए में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो यहाँ पे सेंटर फॉर इंटर्नशिप दे रखा है कि कौन कौन से सेंटर है, उसके बाद एरिया ऑफ इंटर्नशिप, किस एरिया में आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, एंड कितनी इंटर्नशिप पर्टिकुलर उस एरिया ऑफ इंटर्नशिप में, जिस एरिया में आप अपना इंटर्नशिप परसू करना चाहते हो, एंड वेयर एप्लीकेशन टू बी सेंट, किसको यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड करना है, तो पूरा आपको मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, नेशनल अकाउंट डिवीजन, जो कि NAD है, जिसका नेशनल अकाउंट स्टेटिक्स में अगर एरिया में इंटर्नशिप करना चाहता है, तो यहाँ पे 4 लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी 4 जनों को इंटर्नशिप मिलेगी, अप्लाई तो और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड इनको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ये मेलिंग एड्रेस से इंटर्नशिप फिल करके। तो यहाँ पे जो डेप्यूटी डायरेक्टर ट्रेनिंग यूनिट नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे पूरा एड्रेस दे रखा है एंड मेल आईडी दे रखी है, इनको आपको मेल करना है। तो जो इंटर्नशिप का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको फिल करना है, अप्लाई करना है, उसी तरह यहाँ पे भी दे रखा है कि किसको अप्लाई करना है, किसको मेल करना है। तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इन ये ग्रुप बी के लिए, ग्रुप बी के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और मेल करना है। एंड इसी तरह आप देख सकते हो आपके पास में कौन सा सेंटर है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके रिगार्डिंग आपका कौन सा एरिया ऑफ जो इंटर्नशिप का इंटरेस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, साथ में किसको अप्लाई करना है वो डिटेल यहाँ पे पूरा दे रखा है डिटेल में। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप स्कीम 2022 एंड 2023। तो एनेक्सा थर्ड है, तो इस इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए पहले आपको NCS नेशनल कैरियर सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल पे आपको लॉग इन करना है, आपको एक आईडी क्रिएट करनी है एप्लीकेशन फिल करने से पहले, जो कि है www.ncs.gov.in। एंड आपको यहाँ पे एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है MS Excel में, जो कि यहाँ पे ग्रुप ए पे क्लिक करोगे तो ग्रुप ए की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ग्रुप बी पे क्लिक करोगे तो ग्रुप बी की एक्सेल फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बी की है, तो वो आपको मैं बताता हूँ। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर इंटर्नशिप 2022-2023 ग्रुप बी, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एंड देन यहाँ पे पूरी डिटेल्स है जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पे जो एक पासपोर्ट साइज फोटोज है, आपको यहाँ पे जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट हेड ऑफ डिपार्टमेंट,
एंड यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट जिसके यहाँ पे सिग्नेचर का, तो ये सारी डिटेल है एक एक करके मेंशन कर रखा है जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है। साथ में आपके यहाँ पे आप देख सकते हो एनसीएस आईडी जो नेशनल कैरियर सर्विस है, आपको एनसीएस की आईडी जो है वो आपको क्रिएट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम है एनसीएस आईडी, तो वो आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको डिटेल डालनी है आपकी जो एनसीएस आईडी थी उसका, यहाँ पे डिटेल देना है। तो ये ग्रुप बी के लिए, तो ऐसे ही आप ग्रुप ए का भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एमएक्स एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट ले लेना है, एंड उसके बाद आप पासपोर्ट साइज फोटो जो कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एंड उस पर आपको साइन करना है, एंड उसके बाद आपको एनओसी एंड फोटोग्राफ है वो आपको अटैच करना है जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा एंड जो कि परस्यू कर रहा है स्टडीज के लिए। एंड उसके साथ साथ आपको जो एनेक्सर में दिया है कि आपको किसको भेजना है ये मेल, तो वो आप एप्लीकेशन भेजना, जैसे आप देख रहे हो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड थ्रू ईमेल टू कंसर्न नोडल ऑफिसर और सिलेक्शन पॉइंट एप्लीकेशन फॉर द इंटर्नशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट 2022 एंड 2023, यानी ये सब्जेक्ट लाइन आपको मेल में जरूर डालनी है। एंड फ्रेंड सीसी में आपको ट्रेनिंग mospi@nhc.in को साथ में रखना है, एंड ये सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है जो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पे आपको रखना है, सारा चीजें वो आपको मेंशन किया है, तो आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सारा जो इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेरी है वो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो, एंड उसके अलावा आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंटर्नशिप और पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च स्टूडेंट 2022 से 2023 के सब्जेक्ट लाइन के साथ ही अप्लाई करें। अदरवाइज यहाँ पे दे रखा है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करी जाएगी, रिजेक्ट कर देंगे, तो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना। तो ये जो बेसिक ओवरव्यू था मैंने आपको इस इंटर्नशिप के बारे में दिया, एंड फ्रेंड्स इस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसके बारे में और डिटेल में जान सकते हो। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, एंड अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के अबाउट में लिंक में दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मैं डायरेक्ट एक्टिव रहता हूँ। आपसे कुछ भी रिलेटेड आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, एंड होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।